वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीए फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपके कबीरदास जी की साखी है उसके जो व्याख्या विस्तार के साथ देखेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर पहले ले चुका हूँ, ये पार्ट टू है। काफ़ी दिनों के बाद ये भी इस टॉपिक पर फिर से वीडियो बना रहा हूँ तो पार्ट टू है, आप देख लीजिएगा। पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। तो आज 21वें नंबर का जो पैराग्राफ है उसको हम देखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो 9353447727, आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी और आप चैनल के साथ बने रहिएगा। तो आइएगा हम शुरुआत करते हैं कि 21वां पैराग्राफ। अगम अगोचर गमी नहीं ताहा जगमगे ज्योति, जहाँ कबीरा बंदगी बंदगी तहाँ पाप पुण्य नहीं नहीं छोती। तो ये जो भाषा है ये संस्कृत भाषा है और उर्दू भाषा है, यानी कि जो कबीरदास जी थे वो अलग अलग सभी भाषाओं का मिश्रण करके काव्य रचना लिखते थे। ठीक है, तो खुद नहीं लिखते थे, इनके शिष्य लिखते थे, ये सिर्फ बोलते थे क्योंकि कबीरदास जी जो अनपढ़ थे खुद नहीं लिखते थे। कबीरदास जी कहते हैं कि जो अगम अगोचर, यानी कि अगम का जहाँ पहुँचा न जा सके, ऐसा स्थान जहाँ पहुँचा न जा सके, अगोचर जो दिखाई न दे, ज्योति यानी कि प्रकाश रोशनी, बंदगी वंदना करना, छोती अछुआ छा छुआ छुआ छूत। ठीक है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि परम प्रिय परमात्मा तहाँ तक पहुँचना अत्यंत कठिन है। इससे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। सबसे पहले प्रसंग प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित है जिसमें उन्होंने निर्गुण ब्रह्मा के स्वरूप का सुंदर चित्रण किया है। तो आप ऐसे विस्तार से लिखेंगे, पहले आपने देख चुका है कि प्रसंग किस प्रकार लिखना है, थोड़ा सा बड़ा लिखना है, इसके अंदर दो लाइन दे रखी है। लिखेंगे प्रस्तुत साखी कबीरदास जी के द्वारा रचित पद से ली गई है और इसकी डिटेल में बताएंगे थोड़ा सा। तो इस प्रकार प्रसंग थोड़ा बड़ा लिखना है, उसके बाद में व्याख्या शुरुआत करनी है। तो कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि कबीरदास जी ने परम प्रिय परमात्मा तक पहुंचना अत्यंत कठिन है, यानी कि अगम अगोत्तर, यानी कि परम परमात्मा है वो पता नहीं, बोलो इस सृष्टि के हर कण में समाये हुए हैं और भगवान तक पहुंचना यानी कि भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। वो असीम है परमात्मा, वो कोई परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जिसको हम प्राप्त कर लेंगे आसानी से, वो हर जगह विद्यमान है, वो हमारे अंदर ही विद्यमान है और उसको सत्य ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, सच्ची भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, ये इनका कहना है। तहाँ जगमगे ज्योति, वह अगम्य न दिखाई देने वाला और इंद्रियातीत है और निर्गुण ब्रह्मा तो ज्योतिष स्वरूप है, अर्थात जगमगाती हुई ज्योति है। वहां से उसे अपवित्र बनाने वाली कोई छुआछूत नहीं है और तथा वहां पाप और पुण्य का भी स्पर्श नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे निर्गुण ब्रह्मा की वंदना मैं करता हूँ, यानी कि जो भगवान है वो इस ऐसे जगह पर विद्यमान है कि ना तो वहीं कोई छुआछूत है, ना कहीं जाति पाति है। जैसे कि हम समाज में देखते हैं बहुत से लोग जाति के नाम पर लड़ते रहते हैं, नीची जाति के लोगों की अवहेलना करते हैं या उन्हें अधिकारों से वंचित रखते हैं, और जो समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं वो इस धरती पर विद्यमान है, लेकिन उस परमात्मा के पास ऐसी कोई भी बुराइयां नहीं हैं, वो इन बुराइयों से दूर है। और ऐसे भगवान की जो भक्ति है वो कबीरदास जी करते हैं, यानी कि उनके जो भगवान है वो सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि उनके भगवान के सभी के भगवान, यानी कि कबीरदास जी जिस ब्रह्मा प्रभु असीम परमात्मा के बारे में बात करते हैं उनके बारे में यही है कि वो छुआछूत से या तमाम प्रकार की बुराइयों से दूर है, यही इस पैराग्राफ का मेन उद्देश्य है। तो इसके अंदर आपको विशेष भी लिखना है, तो निर्गुण ब्रह्मा का अगम्य अगोचर ज्योति स्वरूप एवं पाप पुण्य से परे बताया गया है और निर्गुण ब्रह्मा का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन है और दोहा छंद जिसमें गैता विद्यमान है, अनुप्रास और विरोधाभास अलंकारों का जो क्या है इसके अंदर प्रयोग किया गया है। तो ये विशेष आप लिखेंगे और सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे, विशेष लिखेंगे, तब जाकर के कहीं आपको 6 नंबर कंप्लीट मिलेंगे। कोई भी पैराग्राफ आ सकता है, सबसे पहले आप इनके जो शब्दों की जो मीनिंग है अर्थ है वो भी 1-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी आप ध्यान रखें, उसी के आधार पर आप व्याख्या करेंगे। पाणी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई। तो पानी यानी कि पानी जल,
परम तत्व हिम यानि कि बर्फ, हिम यानि कि बर्फ पानी। और उसके बाद बिलाई, बिलाई का मतलब लोप होना, मिलकर ठीक है सोई वही। तो आगे कहते हैं कि प्रस्तुत प्रसंग, ये देखिएगा ये प्रसंग आपको लिखना है, बहुत बड़ा जो प्रसंग है वो ये आपको लिखना है। तो ये देखिएगा क्या कहते हैं कि प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित, जिसमें निर्गुण ब्रह्मा भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए कबीरदास जी का मानना है कि मानवीय शरीर पंच तत्वों के मिलने से बना है, यानी कि मानव शरीर में जिसके अंदर क्या क्या आता है, मिट्टी, अग्नि, पानी, आकाश, वायु, तो पांच तत्वों से मिलकर बना है। और जब वे एक दूसरे से वियुक्त हो जाते हैं तो उस अवस्था को दुनिया वाले मृत्यु कहते हैं, यानी कि मानव शरीर इन पांच तत्वों से मिलकर बना है, ये पांच तत्व है इनसे मिलकर बना है। जैसे कि अगर इंसान को जला दिया जाए, सपोज करो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जलने के बाद उसका जो राख बन जाती है वो मिट्टी बन जाती है, और जो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के शरीर में जो गैसें होती हैं वो वायुमंडल में चली जाती हैं, तो वायु में तब्दील हो जाती है, और जो अग्नि है वो अग्नि में चली जाती है, इनकी उसके शरीर की जो गर्मी है, जो आग जिससे इनकी अर्थ जो अग्नि है वो अग्नि में विलीन हो जाती है उसके शरीर के अंदर की जो गर्मी है। तीसरा, दूसरा तत्व तो रह गया आपका आकाश। आकाश का मतलब है कि जो वो घेरे हुए है, मानव शरीर है वो घेरे हुए, जैसे कि मानव का शरीर है, यहां मैं बना लेता हूं थोड़ा सा, तो मानव का शरीर है ठीक है, ये एक मैंने बना लिया है थोड़ा सा समझाने के लिए। तो मानव का जो शरीर है उसके अंदर आपका क्या है, मिट्टी, मिट्टी तो आपको पता है कि राख बन, राख शरीर जल गया, राख में तब्दील हो गया, उसके बाद में उसके अंदर क्या है, जल भी तो है, हमारे शरीर के अंदर जल भी तो विद्यमान है, हमारे खून के अंदर 70% खून, 100% में से खून के अंदर 70-75% पानी ही तो है, तो वो पानी कहाँ चला जाएगा, जल के वायुमंडल में वाष्पीकरण हो जाएगा उसका। तो जितने भी यानी कि मनुष्य की जो चिता जब जलती है तो उसके जो पांच तत्व है वो चिता के द्वारा क्या है, उन पांच तत्वों में विलीन हो जाते हैं दोबारा से, ठीक है। तो यही कहना चाहता है इसमें। और आगे जब दूसरे तो उस अवस्था को दुनिया वाले मृत्यु कहते हैं, ये कहते हैं मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, पवन में पवन, ये सारी बातें पांच तत्वों द्वारा पांच तत्वों में मिल जाते हैं। आगे हैं कबीर जी कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में अद्वैत संबंध है, जिस प्रकार पानी से बर्फ बनती है और नष्ट होकर वह फिर पानी के रूप में परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार परमात्मा जीव ब्रह्मा का अंश है और वह मृत्यु को प्राप्त कर पुनः उसी परमात्मा में लय हो जाता है। यानी कि उन्होंने जो संबंध है, जिस प्रकार पानी से बर्फ बनती है उसी में नष्ट होकर फिर पानी के रूप, यानी कि इन्होंने कहा कि जो पानी है, जो पानी को क्या मानना है इन्होंने, देखिएगा इस पैराग्राफ में, यानी कि पानी को क्या माना है, मानव का शरीर माना है, सॉरी परमात्मा माना है, परमात्मा के समान है पानी, जो परमात्मा के समान है, और जो हिम है वो मानव शरीर है, यानी कि मानव है, यानी कि मानव की आत्मा है, मानव की आत्मा है। तो जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि बर्फ यानी कि पानी था, यानी कि परमात्मा था, परमात्मा परमात्मा से क्या बनता है, मानव, यानी कि जिस प्रकार पानी से क्या बनती है, पानी को जमाने से क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है, बर्फ बन गई, अब बर्फ क्या हो गई, मानव शरीर हो गया, अब बर्फ जो पिघल गई यानी कि मनुष्य जब मर गया तो उस वो क्या है, जैसे बर्फ पिघल गई तो वो पानी बन गई, परमात्मा में विलीन हो गया, उसी प्रकार जो मनुष्य की आत्मा है वो परमात्मा में मिल जाती है। यानी कि इस कहने का भाव यह है कि पानी को परमात्मा का समान माना है और जो हिम को मनुष्य शरीर के समान माना है, जिस प्रकार यानी कि जिस प्रकार परमात्मा से तो आत्मा बनती है ठीक है, और परमात्मा के बिना आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, सीधी सी बात है। और जैसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति मर गया तो वो फिल्मों में दिखाते हैं कि उसकी ज्योति सी इस प्रकार निकलती हुई वो ऊपर चली जाती है आकाशमान में, या कई ऐसे फिल्में दिखाई जाते हैं जिसमें किसी व्यक्ति मर जाता है उसकी आत्मा को वश में कर ले जाते हैं, ये उसके अंदर आत्मा आ जाती है, ये कुछ हद तक साइंटिस्ट मानते हैं कि भूत प्रेत होती हैं, लेकिन साइंटिस्ट नहीं मानते भूत प्रेत होते हैं, लेकिन जो धार्मिक धारणाएँ हैं उसमें माना जाता है आत्मा परमात्मा के बारे में, लेकिन अलग अलग धारणाएँ हैं, एक तरफ साइंटिस्ट है तो दूसरी तरफ जो क्या है धार्मिक विचारधारा, ये दोनों दोनों एक दूसरे के विरोधी है,
कोई भी किसी से सहमत नहीं है, ये आज मुद्दा चल रहा है, ये आगे भी चलता रहेगा, लेकिन हमें साइंटिफिक व्यू से नहीं देखना, हमें सिर्फ आत्मा परमात्मा यानी कि धार्मिक व्यू से हमें थोड़ा देखना है, तो हम उसी हिसाब से लिखेंगे। तो इस पैराग्राफ का यही मेन उद्देश्य है। तो भाव यही है कि जीवात्मा को परमात्मा का शरीर प्रदान करती है, वही उसको शरीर नष्ट भी कर देती है। यही शरीर तो धूल की पुड़िया मात्र है, जो कुछ दिन में दिखलाई देने के बाद फिर धूल में मिल जाती है। तो इसके अंदर आप विशेष लिख देंगे, विशेष के अंदर क्या क्या आपका कबीर ने साखी में से मिलते जुलते कथन प्रस्तुत किए गए हैं। तो इसके अंदर जो है कि माटी रही समाई पवने पवन लिया संगी लाई, कहे कबीर सुनी पंडित गुनी रूप मूरा सब देख दुनी। ये हमारे पैराग्राफ में नहीं है, ये आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना। आगे देखते हैं कि कबीरदास जी का कथन है कि कथन पर श्री मद भागवत गीता का प्रभाव दिखलाई देता है। ये पंक्तियाँ स्पष्ट रूप से भारतीय ब्रह्मवाद की स्वीकृति की है। भाषा सरल सरस और भावपूर्ण प्रभावपूर्ण है। माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। लाक्षणिक शब्द शक्ति प्रतीकात्मक शब्दावली का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो ये आपको विशेष में लिखना है। अगला 23वां पैराग्राफ, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देख्या माही। यानी कि जब मैं था, जब मैं का मतलब यहाँ अंकार से है, अंकार, जब यानी कि मेरे अंदर अंकार की भावना थी, घमंड था मेरे के अंदर, तब मेरे आत्मा मेरे शरीर में भगवान का उस असीम परमात्मा का जो वास नहीं था, और जब अंधियारा मिट गया यानी कि जब मैंने अपने अंधकार को त्याग देता है, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने अपने अंधकार को त्याग दिया, अपने घमंड को, अपने अहम भावना को जब मैंने त्याग दिया, तो मेरा सारा अंधकार दूर हो गया और जो ज्ञान रूपी दीपक से क्या है, मेरे को सच्चे परमात्मा की प्राप्ति हुई। ये इसका कहने का भाव है, यही बात इसके अंदर कह रखी है। सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या लिखेंगे, उसके बाद विशेष लिखेंगे। तो कबीर जी कहते हैं कि जब मुझे अहंकार था तब प्रभु का निवास मुझ में नहीं था, लेकिन यहाँ जब मैं था, मैं का मतलब अहंकार है यहाँ, हरि यानी कि भगवान परमात्मा, ठीक है, अब हरि है मैं नहीं, अब हरि है, अब मेरे अंदर भगवान है मैं नहीं, यानी कि अब मेरे अंदर अहंकार नहीं है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देख्या माही, और जब ज्ञान रूपी दीपक जो होता है, जैसे कि आप देखते हैं कि आप जैसे पहले बीए के अंदर नहीं थे, या आप अपने टेंथ क्लास की या आठवीं क्लास में थे, तो आपके पास माइंड में कुछ ऐसे धारणाएं थी, धार्मिकता को लेकर कुछ अंधविश्वास थे, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन में आए, बीए के अंदर आए, ठीक है, तो आपके अंदर आपका माइंड डेवलप हुआ, आपका एजुकेशन डेवलप हुआ, तो जो आपके अंधविश्वास थे, कुछ ऐसे नॉलेज होती हैं जैसे भूत प्रेत होते हैं नहीं होते, इस रिलेटेड या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं साइंटिफिक, जो जिसका आपको नॉलेज हुई और बाद में आपको पता चला कि हम ऐसे सोचते थे लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है, तो इस प्रकार हर एक व्यक्ति के साथ होता है। तो इसी प्रकार कबीरदास जी अपने जीवन के अनुभव का वर्णन करते हैं, यही है इसके अंदर। तो वही फिर से इसके अंदर जो आप विशेष लिखेंगे, कबीर ने ईश्वर की भक्ति के राह में अहंकार की सत्ता का विरोध किया, यानी कि व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं शब्द का यूज न करके, जब हम मैं शब्द का यूज करते हैं तो उसका मतलब है कि मैं अपने आप में घमंडी हूँ, तो मैं शब्द का अहंकार से लिया जाता है मैं शब्द को। लाक्षणिक प्रयोग प्रशंसनीय है, गेय का गुण विद्यमान है, रूपस्योक्ति का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद है, शांत रस प्रकट किया है। तो ये इसके अंदर है क्वेश्चन जो आपका 24वां पैराग्राफ, मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ताहल मुक्ता चुंगे अब उड़ी अनंत न जाही। यानी कि कहने का भाव ये है कि सुभर सफेद पूर्ण रूप से भरा हुआ केली क्रीड़ा मुक्ताहल मोती अनंत अन्यत्र अन्य स्थान, वही प्रसंग लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर से परिचय होने पर मन रूपी मानसरोवर प्रभु प्रेम रूपी जल से पूर्ण रूप से भर जाता है। यानि कि ईश्वर से परिचय होने पर मन रूपी मानसरोवर यानि कि मानसरोवर यानि कि जो मानसरोवर यानि कि मानसरोवर झील है जैसे, ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो मानसरोवर रूपी मन रूपी मानसरोवर प्रभु रूपी जल से, यानी कि मन को किसके समान माना है, मानसरोवर
झील के समान माना है, और प्रभु यानी कि प्रभु को उसके अंदर जो जल के रूप में माना है, ठीक है। और उसमें मुक्त आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा करने लगता है, यानी कि उसके अंदर आत्मा, यानी कि जब मनुष्य का जो मन है वो झील के समान है, और उसके अंदर जो पानी है वो प्रभु के समान है, ठीक है। और जब इसके अंदर इस मन के अंदर वो प्रेम रूपी यानी कि प्रभु प्रेम रूपी जो जल भर जाता है, तो उसके बाद में जो आत्मा है उसको क्या माना है, हंस के समान। जिस प्रकार झील के अंदर हंस जो तैरते रहते हैं, ठीक है, उसी प्रकार मनुष्य की जो आत्मा में आत्मा है उस जो जो प्रभु के प्रभु रूपी जल से भरा हुआ तालाब है उसके अंदर जो हंस तैरने लगता है, यानी कि आत्मा तैरने लगती है, और वे सुंदर भाव और मुक्तावस्था रूपी मोतियों को चुग कर तृप्त हो जाते हैं। यानी कि जिस प्रकार फिर वो हंस है उस पानी के अंदर तैरता है तो वो मोती चुनता है, यानी कि जो खाने की चीज़ें वो चुनता है, उसी प्रकार उसका जो मन है वो क्या करने लगता है कि मुक्तावस्था रूपी मोती, यानी कि वो बिल्कुल दुनियादारी से परे हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब कबीरदास जी के मन में भगवान का वास हो गया, प्रभु प्रेम रूपी जल उसके अंदर आ गया उसके मानसरोवर रूपी शरीर में, तो क्या होता है कि वो सभी अवस्थाओं से मुक्त हो जाता है। फिर उसकी आत्मा है वो हंस के समान है, ऐसे समझेंगे। जैसे कि देखो ये एक तालाब है, इस तालाब में जो जल भरा हुआ है वो प्रभु प्रेम रूपी जल है। ये जल क्या है, जल है प्रभु प्रेम रूपी है, प्रभु प्रेम रूपी जल है। और इसके अंदर जो ये झील ये मानसरोवर है ये किसके समान है, ये मन के समान है, ये किसके समान है, मन के समान है ये तालाब। और इसके अंदर जो हंस तैर रहा है, जैसे कि जो हंस तैर रहा है इसके अंदर, ऐसे बना लेता हूँ, हंस जो तैर रहा है इसके अंदर, तो ये हंस क्या है, ये आत्मा के समान माना है इन्होंने। तो कहता है कि और वो फिर मोती किसके चुगता है, जो हंस है वो मोती चुगता है वो मुक्त अवस्था रूपी, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो प्रभु का निवास जब माइंड में हो जाता है तो सभी प्रकार के दुख दुविधाएं दूर हो जाती है, मनुष्य मुक्त हो जाता है, ठीक है। यही बस इसका भाव है। और इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में हम बात करेंगे इसके कंटिन्यू आगे 25वें पैराग्राफ की। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं और भी पार्ट थर्ड लेकर आऊँगा। वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।